मेरा नाम है योगराज शर्मा और जर्नलिस्ट टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम एक नई शख्सियत के साथ आपके बीच आए हैं, फैशन जगत का वो नाम जो कई दशकों से फैशन जगत की कहा जा सकता है कि जड़ों तक समाया हुआ है। बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े डिजाइनर्स और मॉडल्स जिनको इन्होंने ग्रूम किया, तैयार किया, आज पूरे विश्व में उनका नाम है। स्वागत। Hi, this is Kaushik Ghosh and I'm very happy to be in this beautiful channel. Thank you, Yograj ji, for the honor. लंबा समय हो गया एक इस पूरे सफर को अगर कुछ शब्दों में कहा जाए तो किस तरह से देखते हैं, कब शुरुआत हुई और आगे क्या क्या? I think 30 साल इंडस्ट्री में मैं हूँ, शोबिज में, दिल्ली बॉम्बे में, और करीब 3000 से ऊपर मैंने बॉलीवुड शोज, फैशन वीक, फैशन शोज, ब्यूटी पैजन ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ। मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड है। कुछ दिन तो कुछ टाइम तो बहुत अच्छा था, कुछ बहुत बुरा था। आपको पता है कोई भी इंडस्ट्री कभी कभी इकट्ठे अच्छा नहीं चल सकता है, तो इस अप्स एंड डाउन तो होता रहता है। बट येस, ओवरऑल अगर मैं बम्प इन करूँगा लास्ट 30 साल, इट्स लाइक अ बिग स्टोरी, बहुत अच्छा लगा। और अभी जैसे पता है कि मैं आई एम गेटिंग इन टू बॉलीवुड नाउ एज ए फिल्म डायरेक्टर, तो आई थिंक बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने काम शुरू किया था, वेदर सुष्मिता सेन या ऐश्वर्या राय या राहुल देव या सोनू सूद, ये सब बॉलीवुड में अच्छे नाम हैं, सो दे ऑल फील दैट आई शुड गेट इनटू बॉलीवुड एज अ फिल्म डायरेक्टर। सो आई थिंक 30 साल फैशन के बाद नाउ आई एम गेटिंग इनटू बॉलीवुड। इन्हीं बड़े नामों की बात करते हैं, जब याद आता है वर्ष शायद 1994 था, किस तरह के अनुभव थे जब ये लोग आई थिंक इट वॉज उस 94 में जो टाइम था, उस टाइम में इतना तूतू मैं नहीं था, हम लोग एक अच्छे फैमिली बन के रहते थे, यू नो, वो सुष्मिता सेन हो, ऐश्वर्या राय हो, नम्रता शिरोदकर, मेहर जैसिया, जो बड़े बड़े नाम है, मेहर बसीन, इन सब के साथ जब मैं काम करता था, इट वॉज लाइक वन बिग फैमिली। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था, पैसा का जो एक भूख है आजकल वो नहीं था, पैसा मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस काम करना है, यू नो, इट वॉज लाइक दैट। IFT जो था, ये आपको पता है, ये इंडिया का पहला फर्स्ट फैशन इंस्टीट्यूट था, और इनके साथ मैं बहुत साल 93 से मैं जुड़ा हूँ। कभी आई थिंक 200 से ऊपर शो मैंने सिर्फ IFT का किया हूँ ऑल ओवर इंडिया एंड ओवरसीज। तो आई पर्सनली भी तब का जो माहौल था, आपका जो माहौल, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूर आई थिंक वो प्रोफेशनल कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन वो जो दिल वाली बात था वो अभी नहीं है जी। अगर बात की जाए, मुंबई की महानगर है जहाँ से फिल्म इंडस्ट्री संचालित होती है, फैशन जगत भी वहाँ से काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन दिल्ली की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या? आपको मैं बताऊँ, अगर दिल्ली नहीं होता तो मुंबई नहीं होता। अगर आप मुंबई का टेलीविजन इंडस्ट्री देखोगे या एकता कपूर का कोई भी सीरियल देखोगे, अगर वो 10 हीरो हीरोइन को लेकर काम कर रहा है, उसके अंदर 6 या 7 हीरो हीरोइन जो है वो दिल्ली का है। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री जो है, अगर वो अदर राइट फ्रॉम सुष्मिता सेन से लेके सोनू सूद, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, तपसी पन्नू, ये सब दिल्ली का है। तो अगर दिल्ली नहीं होता तो मुंबई नहीं होता। तो मैं हमेशा मजाक उड़ाता हूँ कि कभी दिल्ली में अगर दिल्ली ने अगर अपना लड़का लड़की देना बंद कर दिया मुंबई को, तो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री बंद हो जाएगा जी। बिल्कुल, दिल्ली का योगदान अगर कहा जाए तो फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो पंजाब की, पिछले दिनों लगातार पंजाब की इंडस्ट्री ने काफ़ी तरक्की की और पंजाब की इस इंडस्ट्री से काफ़ी बड़ी फिल्में, बिग बजट फिल्में भी आई, और कहा जा सकता है कि बड़ी फिल्मों के साथ साथ बड़ी एल्बम्स भी पंजाब की इंडस्ट्री ने दी। कैसा योगदान पंजाब का रहा? पंजाब का तो बहुत आया। आई थिंक अभी जो नया जो लड़की आई हुई है पंजाब की, कैटरीना कैफ, ये काफ़ी धमाकेदार चीज़ें कर रही है बॉम्बे में। और पंजाब का आई थिंक पंजाबी जो कुड़िया होती है, लड़कियाँ, वो बहुत खूबसूरत होती है। अगर वो मॉडलिंग इंडस्ट्री बोलिए या बॉलीवुड बोलिए, पंजाबी लड़कियाँ या लड़के, दे हैव ऑलवेज धमाल तो मचाई है हमेशा, यू नो। वो अगर पुराने हीरो देखोगे, वो धर्मेंद्र बोलिए या विनोद खन्ना हो या राजेश खन्ना हो, या अभी का जो हीरोइन है अक्षय कुमार से लेके जितने भी हीरोइंस हैं पंजाब से, तपसी पन्नू तो पंजाबी ही आपको पता है, और सुपर मॉडल भी बहुत सारे सुपर मॉडल है, जैसे कि अमनप्रीत वाही है जो सरदारनी है, मेहर बसीन है सरदारनी है, तो ये पंजाब हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल। और उनका जीन्स में ही खूबसूरती है, एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम काम करते हैं, पंजाब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जी। बिल्कुल, अगर बात की जाए खूबसूरती की मॉडलिंग जगत की, तो आपका एक्सपीरियंस कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जो कोरियोग्राफर्स और डायरेक्टर्स हैं उनमें से आता है। ऐसे कौन से यादगार शो हैं जो
आप लाइफ में आज भी मानते हैं कि वो याद आते हैं? मैं ना चाइना में एक शो किया था, चाइना गया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ टूरिज्म इंडिया के लिए, और वहाँ पे मैं पहली बार जब गया था वहाँ पे चाइनीज़ मॉडल थे सब, वो काफ़ी मशहूर मॉडल था, और जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो वर्ल्ड का सेवन वंडर्स में आता है उसके नीचे ये शो हुआ था। तो ये बहुत यादगार शो है क्योंकि उसमें इंडिया के काफ़ी डिज़ाइनर गए थे कपड़े, जैसे कि रितु कुमार के कपड़े गए थे, मंदिरा वीर के कपड़े गए थे। और ये जो शो जब मैं चाइना में करने गया था पहली बार, मैंने चाइनीज़ मॉडल के साथ काम कर रहा था, और सबसे मज़ा का बात है मुझे चाइनीज़ नहीं आता है, उनको अंग्रेजी नहीं आता था, तो वो हम भाषा में, हम साइन लैंग्वेज में शो को मैंने डायरेक्ट किया था। बट बहुत यादगार शो था क्योंकि उस टाइम में चाइना का साथ इंडिया का रिलेशन बहुत ख़राब था, और जब मैं गया था आई वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया, और वो जो शो था वो जो बॉलीवुड का, उन्होंने स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट आया था कि आपको बॉलीवुड करना है, और जब मैंने बॉलीवुड वाला सीक्वेंस किया पूरे हॉल जो था वो मेरे साथ डांस कर रहा था। आई थिंक बॉलीवुड जितना पॉपुलर था चाइना में, मुझे इट वॉज अ वेरी यादगार शो तो बहुत सारे है, पर आई थिंक एक दो को मैं चुनने का कोशिश करूंगा तो बहुत टफ होगा, बिकॉज बहुत सारे, आई थिंक फॉर मी ऑल माई शोज आर स्पेशल। किन किन देशों में शो हुए अपने? और आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूके, कैनेडा, यूएसए, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, आई थिंक सिंगापुर, हांगकॉन्ग, UAE, दुबई, इट इज़ अ नेवर एंडिंग, आई कीप गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। लास्ट दो साल से मैं जा नहीं पाता, आपको पता है कोविड के कारण ट्रैवल और शोज बंद है, तो अब मैं अभी आई थिंक थोड़ा देश खोल रहा है, जाने का टाइम बन रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो फॉर अ शो। आई एम गोइंग टू US एंड कैनेडा इन अगस्त सेप्टेम्बर फॉर अ वर्ल्ड टूर शो। करोना का समय काफ़ी मुश्किल वाला समय रहा, ज़्यादातर लोगों ने कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, कैसे बीता ये समय? बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन फैशन वीक कर रहा था, आई थिंक बस मैं काफ़ी अगेंस्ट था उसका, इट वॉज अ बकवास, बिकॉज मैं ये समझता हूँ जो एक्चुअल शोज़ में आपको इम्पोर्टेंस मिल सकता है वो ऑनलाइन में नहीं हो सकते। बहुत सारे ब्रांड ऑनलाइन फैशन शो, ऑनलाइन ब्यूटी पेजेंट कर रहा था, मैं बिल्कुल खिलाफ़ था। बहुत सारे ने मुझे अप्रोच किया लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ एज ए आर्टिस्ट जब मैं कोई लाइव शो करता हूँ और वो शो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 लोग बैठ के देखते हैं और आपको तारीफ मिलता है, उसके बाद कुछ और होता है। जो चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन में आ सकता है, रेगुलर शोज में, ब्यूटी पेजेंट में आ सकता है, तो ऑनलाइन में नहीं आ सकता है। तो आई पर्सनली फील दैट डिज़ाइनर को भी प्रमोट, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए ऑनलाइन शोज। आइए नाउ, अभी 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 मौसम अच्छा हो गया, इट्स अ गुड वेदर डे नाउ, अब कोरोना जा रहा है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए। एंड दूसरा चीज़ जो मैं मानता हूँ कि आजकल जो ये गली नुक्कड़ वाला फैशन वीक होता है और ब्यूटी पेजेंट होता है, ये बहुत थर्ड क्लास का होता है, ये पूरी इंडस्ट्री को नीचे लेके जा रहा है। यू नो, आपने एवरी 30 दिन आपको देखने को मिलेगा कोई फैशन वीक हो रहा है जिसका ग्रैंड फिनाले रात को 2 बजे होता है। यू नो, लोग नहीं होता है शो देखने के लिए, और मॉडल्स भी ऐसे चलता है जो पैसा देकर रैंप पे चलते हैं। तो आई थिंक ये जब क्वालिटी जो है ये पूरे फैशन वर्ल्ड को नीचे लेके जा रहा है। जो ब्यूटी पेजेंट आजकल होता है, जो विनर होता है, वो भी पैसा देकर विनर बन जाते हैं। या तो आई पर्सनली फील एज अ सीनियर मोस्ट शो डायरेक्टर इन इंडिया, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे इवेंट इंडियन फैशन और मॉडलिंग इंडस्ट्री को बहुत नीचे लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नए मॉडल्स की, हर युवा की चाहत होती है कि वो पर्दे पर दिखाई दे या मॉडलिंग जगत से वो शुरुआत करे, ऐसे न्यू कमर्स के लिए क्या टिप्स आप देंगे? मैं हमेशा ये करूँगा कि आप जब इंडस्ट्री में आती है पहले तो आप ये अपने आप को आईने में देखिए, सोचिए कि क्या मैं सचमुच एक एक्टर मॉडल बन सकता हूँ। पैसा देके मत आइएगा, यू नो, पैसा देके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेंट मत कीजिएगा। अगर कोई लोग आपको बुला के काम देते हैं और पैसा देता है, इसका मतलब यू आर वर्थ इट। जब आप पैसा देके कोई काम करते हो उसका वैल्यू नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, अब जब इंडस्ट्री में आती हो आप बड़े लोगों के साथ काम करो, ऐसे लोगों के साथ काम कर जो रेपूटेड है। बहुत से लोग कास्टिंग काउच की बात करता है, मैं नहीं मानता हूँ कास्टिंग काउच कोई किसी को फोर्स करता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बात है कास्टिंग काउच होता है और हर एक इंडस्ट्री में होता है, बॉलीवुड हो, फैशन हो, मॉडलिंग हो, हर एक में कास्टिंग काउच होता है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपको कोई और रास्ते में लेके जाए तो कोई लेके नहीं जा सकते। इफ़ यू आर डेडिकेटेड, अगर आपके पास टैलेंट है, हार्डवर्किंग, और सबसे बड़ी बात है अगर आप लकी हो, लक है आपके साथ, तो आपको कोई रुक नहीं सकता है उड़ने के लिए। जी बिल्कुल, किस्मत और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और जब एक कोई मॉडल किसी इंडस्ट्री में आता है और एक नई शुरुआत करता है, उसके बाद उसका अगला सपना होता है बॉलीवुड, कैसे पहुँचे? वेल, यू नो, मैंने आई थिंक ऐसे इतने सारे बॉलीवुड स्टार के साथ जब मैंने डायरेक्ट किया, और काफ़ी में मेरा फ्रेंड था, सब ने ये मुझे बोलता था कि करण जौहर दूसरा कौशिक घोष बन सकता है। तो मेरे अंदर भी एक वो जुनून था कि आई थिंक 30 साल इंडस्ट्री में मैं हूँ, इतने साल मैंने शो डायरेक्ट किया, वाई नॉट बॉलीवुड। तो आई थिंक मेरा एक स्क्रिप्ट बन रहा है बॉलीवुड के ऊपर जो काफ़ी अच्छा है, और मैं कोई छोटा मोटा बॉलीवुड करना नहीं चाहता था, आई वॉन्ट टू डू अ ब्लॉकबस्टर मूवी, और जो मेरा फिल्म बन रहा है
वो एक मॉडलिंग इंडस्ट्री के ऊपर ये सच स्टोरी है जो मैंने 30 साल में देखा हूँ, और बाकी आई थिंक इट इज़ इन द स्क्रिप्टिंग स्टेज और बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। जी बिल्कुल, सिनेमा पिछले दिनों काफ़ी संकट में रहा कोरोना के बाद, एक नए सिनेमा की शुरुआत आई, OTT प्लेटफॉर्म्स से आगे बढ़ना शुरू हुआ, कितने कामयाब हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है OTT, जैसा आपको भी मैंने बताया कि ऑनलाइन फैशनिंग, ऑनलाइन ब्यूटी पेजेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है OTT को बिल्कुल सपोर्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक बड़े फिल्म जब पर्दे में आप देखते हैं उसका जो ब्यूटी होता है वो OTT प्लेटफॉर्म में नहीं होता है। तो आई पर्सनली फील, इफ यू आस्क मी एज ए पार्ट ऑफ बॉलीवुड ऑल्सो नाउ, आई विल नॉट सपोर्ट, आई विल, मुझे अगर कोई बोले मेरा फिल्म OTT में रिलीज होगा, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड, आई वॉन्ट सिनेमाघर में लोग पिक्चर देखें। जी, अगला आपका फैशन शो या अगली आपकी गतिविधियाँ क्या? मैंने बहुत जल्दी 1st, 2nd, 3rd अप्रैल को मैं 30 आई थिंक 30 साल डायरेक्टर रहने के बाद मैं पहली बार प्रोड्यूसर बन रहा हूँ। आप ऑर्गेनाइजिंग का बिग फैशन वीक, इंडिया स्टाइल फैशन वीक, जो 1st से 3rd अप्रैल बहुत मशहूर जगह बीकानेर हाउस दिल्ली में होने वाला है, इंडिया गेट के पास। ये बहुत हाई प्रोफाइल फैशन वीक है, यहाँ पे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइनर और न्यू जनरेशन डिज़ाइनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौशिक घोष को अभी तक लोगों ने एज ए डायरेक्टर देखा, बट एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों, आई थिंक इट बी बिग मोमेंट फॉर मी, सो आई एम रियली एक्साइटेड नाउ, एंड आई वॉन्ट टू इन्वाइट दिस ब्यूटीफुल चैनल टू बी पार्ट ऑफ माई फैशन वीक। दिस इज ऑन 1st, 2nd, 3rd अप्रैल इन बीकानेर हाउस, न्यू दिल्ली, इंडिया स्टाइल फैशन वीक। जी बिल्कुल, क्रिएटिव लोगों की जिस तरह से आगे की शुरुआत रहती है, भविष्य रहता है, लगातार आगे बढ़ते हुए कौशिक घोष पूरे देश में फैशन और फिल्म जगत में एक बड़ा नाम साबित हो रहे हैं, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, एंड आई लाइक टू थैंक NDTV News.media फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। योगराज सिंह जी के इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड इज अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, आई रेस्पेक्ट हिम एज अ जर्नलिस्ट, एंड आई होप कि व्यूअर्स को मेरा ये इंटरव्यू पसंद आया, एंड आई एम लुकिंग फॉर टू सी ऑल ऑफ यू एट इंडिया स्टाइल फैशन वीक इन न्यू दिल्ली। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।